हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर्टिस्ट विद स्टोरी माइट आगरा। तो आज हम आपको 21-88 जीव का असेंबल करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले बॉक्स ओपन करें। इसमें फोर व्हील रहेंगे, 1, 2, 3 and 4। उसके बाद ये स्टिकर रहेंगे, ये सीट रहेगी, ये लैट्स रहेंगी, ये आगे की लैट रहेगी, ये स्टीयरिंग रहेगी, इसमें फेज चार्जर रिमोट, ये पीछे का बिल रहेगा लाइटिंग वाला, ये हैंड कवर रहेंगे, और ये लाइटिंग सपोर्ट रहेगी। इसके बाद हम पूरी गाड़ी को बाहर निकालेंगे। तो देख रहे हो, हमने गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। तो उसके बाद ये पीछे का पहिया रहेगा जिसमें ये लॉक आया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम पीछे की तरफ लगाएंगे। और राइट साइड वाला भी सेम ऐसे ही लगेगा। तो ये रहेगा, इसमें हमारे बोल्ट हैं और कसने के लिए एक रिंच भी आती है और पेचेस वगैरह हैं, इसमें सभी सामान मिल जाएगा आपको। सबको पहले बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद दो बार सेल लेंगे और दो पेच लेंगे। पहले बार सेल लगाएंगे, उसके बाद बोल्ट लगाएंगे। सेम प्रोसेस राइट साइड में भी रहेगा। उसके बाद ये दो रिंच रहेंगी, इनको एक साथ दोनों तरफ लगा के एक साथ फंसना है, एक को लेफ्ट की तरफ एक को राइट की तरफ। उसके बाद ये दो आगे के पहिए रहेंगे जिसमें कोई लॉक नहीं है, लॉक नहीं है तो उसको हम आगे की तरफ लगाएंगे। एक पहिए को राइट साइड में लगाएंगे और एक को लेफ्ट साइड। और दो बार सेल लेंगे और दो बोल्ट लेंगे। इसको सबसे पहले एक बार सेल लगाना है, उसके बाद बोल्ट से कस देना है। सेम प्रोसेस राइट साइड में, इनको भी कस सकते हो, एक एक करके भी कस सकते हो, एक साथ भी कस सकते हो। तो आप देख रहे हो हमारी गाड़ी चारों पहियों पर खड़ी हो चुकी है। इसके बाद तो आगे से हमारी गाड़ी तैयार है, अब इसे हम घुमाएंगे उल्टा। ये हमारी लाइट वाली स्टेपनी रहेगी, इसको सबसे पहले टैप को निकालेंगे और इसको खोलकर इस स्टेपनी वाले तार से कनेक्ट करेंगे ताकि हमारी पीछे की लाइट अच्छे से जल सके। हमारा वायर लग चुका है, इसको तार को अंदर की तरफ डालना सबको। के बाद ये दो पेच रहेंगे और इसको दो, एक राइट की तरफ छेद में लगाना है, एक लेफ्ट की तरफ, और पेच कस से कस देना दोनों को। उसके बाद इसका ये व्हील कवर रहेगा, इसको इसमें फिक्स करना है। उसके बाद ये हमारे पीछे की लाइट रहेगी और इसकी ये सपोर्ट रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी सपोर्ट में तार आता है जिसको इससे कनेक्ट करना है ताकि लाइट जलने में कोई दिक्कत ना हो, और अपनी तरफ खींच लेना है। और इसमें लॉक आते हैं, इसको लॉक में इसमें फंसा देना है।
सेम प्रोसेस, इसमें तार नहीं आता है, इसको लॉक ही आता है ओनली, इसमें लगा रहे हैं। उसके बाद इस तार को और लाइट के तार को आपस में जोड़ लें ताकि लाइट जल सके, और नीचे की तरफ इसको समय और लॉकों में पता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टीयरिंग वाला तार है ये कभी कभी दिखता नहीं है यहाँ पे, तो एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला दोनों पीछों खोल के हम ऐसे कर सकते हैं और नीचे से निकाल के इधर अपने ओर दिखा सकते हैं तार को, ठीक। उसके बाद ये हमारी स्टीयरिंग रहेगी जिसको स्टीयरिंग से बाहर से और तार को अंदर की तरफ सबको डाल देना है ताकि लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये वाला रहेगा इसका होल, इसमें से शिफ्ट करना है फिक्स करके। एक बात का ध्यान रखें, ये एरिया ये है इसका कलर, ये नीचे की तरफ होना चाहिए। इसको बोल्ट को हम इसमें डालेंगे घुमा के हमारी स्टीयरिंग काम कर सके। उसके बाद रिंच लेंगे और ये बोल्ट लेंगे, इस वाले बोल्ट को इधर लगा के रिंच से अच्छे से कस देंगे टाइट। ये हैंडल लॉक है जिसको एक राइट साइड में लगाना है और ठोक देना है। उसके बाद ये दो पेच रहेंगे जिसको दो इन फेरों में शिफ्ट कर देना है। उसके बाद ये हमारी आगे की लाइट रहेगी जिसको ये तार को लाइट वाले तार से कनेक्ट करना है ताकि आगे की लाइट जल सके, और तार को अंदर की तरफ डाल देना सब ताकि लाइट लगाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये हमारे चार पहियों के लिए व्हील कवर रहेंगे, इनको लॉक वाइज लॉक मैच करके सभी चारों टायरों में लगा देना है। तो उसके बाद ये हमारी बैटरी इसमें पहले से ही आती है, ये रेड वाला रेड से मैच करके लगाना है और ब्लैक वाला ब्लैक से मैच करके। उसके बाद ये हमारी सीट रहेगी, इसमें पीछे दो लॉक होते हैं, इन दोनों लॉकों में फेस करके ठोक लें और दो सीट लॉक आते हैं इसमें सीधे करके पहले फिर पेचकस से इसको दबा के घुमा दें। उसके बाद ये हमारे स्टिकर रहेंगे जो कि 4x4 का दिख रहा है आपको, तो उसको ऐसे लगाना है। उसके बाद ये सुपर का रहेगा जिसको 2188 के आगे लगाना है जीप के, सेम उस तरफ भी लगाना है इसे। तो आइए चार्जर पॉइंट रह गए, चार्जर का पॉइंट है जिसमें ये हम लगा देते हैं ताकि पता चल जाए ये चार्ज होने वाला। ये हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट है जो नंबर इसके पीछे लग जाएगा। तो आप देख रहे हो हमारी ये जीप तैयार हो चुकी है, इसको स्टार्ट करने के लिए ये लाल कलर को बटन को दबाएंगे। तो आप देख रहे हो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं इसके, ये रहेगा फर्स्ट वाला स्विंग के लिए, जैसे बच्चा अपने आप झूलता है उसके लिए अपने आप गाड़ी आगे पीछे होगी। उसके बाद ये मैनुअल चलाने के लिए पहले बैक के लिए दबाएंगे इसको पीछे जाएगी, और फॉरवर्ड कर देंगे तो आगे जाएगी, ये मैनुअल चलाने के लिए होती है। उसके बाद ये म्यूजिक का प्लेट है, इसको हम बताते हैं कि फर्स्ट वाला हॉर्न के लिए रहेगा,
सेकंड बार बार गाने के लिए रहेगा, ये चेंज करने के लिए रहेगा। लास्ट वाला ब्लूटूथ से भी आप गाने बजा सकते हो। तो इसमें हमने सेल डाल लिए हैं, तो ऑन ऑफ करने के लिए बीच वाला रहेगा, इसको दबाना है, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। और इसमें मैच कोड होता है, ये इधर लिखा हुआ है रिमोट में, तो इसको पुश करके गाड़ी एक दो बार चालू कर देनी है, उसके बाद ऑटोमेटिक मैच कोड कनेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे हो हमारी गाड़ी रिमोट से चल रही है। ये आगे लेफ्ट राइट के लिए रहेगा, ये आगे के लिए, ये पीछे के लिए, ये स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, ये घटाने के लिए होता है, ये म्यूजिक के लिए होता है, और ये रॉकिंग के लिए होता है, बच्चे को वहीं झुलाने के लिए। ये म्यूजिक चेंज कर सकते हो। हमारी 1188 4x4 जीप बनकर तैयार हो चुकी है। तो ऐसी और भी असलमस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।